वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण योजना भाषा। इसमें कलांश रहेगा, कलांश में चार कालम रहेंगे, दिनांक दूसरा कालम, कक्षा तीसरा कालम रहेगा, विषय और चौथा रहेगा समय। कक्षा पाँच, विषय कलरो हिंदी, समय 35 से 40 मिनट। इसमें सबसे पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम, बच्चे सुनी व पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों, पात्रों आदि के शीर्षक के विषय में बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपनी बात रखने के लिए तर्क देते हैं। अगली हेडिंग है प्रकरण, दूसरी हेडिंग। इसमें पाठ का नाम जो पाठ में पढ़ाना है, विमल इंद्र की विशाल किरणें। और तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने लिया है पाठ पुस्तक और दीक्षा ऐप के प्रयोग के लिए हम मोबाइल भी ले सकते हैं। चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी चार कालम रहेंगे, पहला कालम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण और तीसरा है समय, चौथा है आकलन के तरीके। इसमें चरण में पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण से पूर्व। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट, प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से प्रकृति के संबंध में बातचीत करेंगे। शिक्षक बच्चों से बताएंगे कि जो चीज़ें प्रकृति में पाई जाती हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदी, झरना, पहाड़ आदि को ईश्वर ने बनाया है। आज हम लोग इसी से संबंधित कविता का अध्ययन करेंगे। प्रकृति के संबंध में बच्चों को भी अपनी बात कहने का पूरा अवसर देंगे। दूसरी हेडिंग इसी में चरण में दूसरी हेडिंग रहेगी शिक्षण के दौरान। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट, समूह कार्य व अवलोकन के द्वारा इसका हम आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरों में पाठ एक विमल इंदु की विशाल किरणें पृष्ठ संख्या 10 खोलने को कहेंगे। शिक्षक कविता का सस्वर वाचन करेंगे, बच्चे अनुकरण वाचन करेंगे, शिक्षक कविता का भावार्थ बताएंगे और साथ में कविता के रचयिता यानी जयशंकर प्रसाद जी हैं इसके बारे में भी बच्चों को बताएंगे। समूह कार्य, शिक्षक बच्चों को यू शेप में बैठाकर दो दो बच्चों के समूह में बैठाकर पढ़े गए पाठ को पुनः दोहराने को कहेंगे। शिक्षक कक्षा में समूह का अवलोकन करेंगे व समूह में पढ़ने के दौरान आई कठिनाइयों को दूर करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। अब शिक्षक पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। हमने इसमें कुछ प्रश्न शामिल किए हैं, जैसे हमने पहला प्रश्न लिया है परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है, दूसरा प्रश्न लिया है तरंग मालाएं क्या कर रही हैं, तीसरा प्रश्न लिया है प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई है, और चौथा प्रश्न है प्रकृति द्वारा निर्मित 7 चीज़ों के नाम बताओ, प्रकृति मानव द्वारा निर्मित 10 चीज़ों के नाम बताओ। हम बच्चों से इनकी संख्या बदल बदल के पूछ सकते हैं। नीचे लिखे गए शब्दों में तुकांत शब्द लिखिए। जैसे हमने एक उदाहरण बच्चों को दे दिया कि सागर शब्द है, जैसे सागर का तुकांत गागर होता है, यानी समान ध्वनि सूचक शब्द आते हैं। उसी प्रकार अन्य शब्दों का तुकांत शब्द बच्चों से कहेंगे बताने के लिए, जैसे इंदु का बिंदु, धुन का बुन, माया का काया, लीला का पीला, गीला मिला का हिला मिला खिला। इस तरह से हम बच्चों को तुकांत शब्द पूछेंगे बच्चों से। इसके बाद नहीं बता पा रहे तो उसको हम सहयोग करेंगे बताएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के बाद में। शिक्षक बच्चों को पाठ से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। इंदु मीन चंद्रमा होता है, सागर मीन समुद्र, जगत मीन संसार, अनादि मीन जिसका कोई आरंभ ना हो, अनंत मीन जिसका अंत ना हो, मनोरथ मीन मन की इच्छा, दयानिधि मीन दया का भंडार, चंद्रिका मीन चांदनी, स्मित मीन मुस्कान होता है, प्रसार मीन फैलाव होता है, निनाद मीन ध्वनि होता है, और तरंग मालाएं मीन लहरों का समूह, लहरों के समूह। आगे इसके बाद देखते हैं शिक्षक बच्चों को शब्द अर्थ अपनी कॉपी पर लिखने के लिए कहेंगे। शिक्षक बच्चों की कॉपी अवश्य चेक करेंगे। अंत में शिक्षक नीचे दी गई कविता का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन करवाएंगे। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रात की नवल रश्मियों से मेरे उर का तम हर दो, मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ, मैं नन्हा सा बिहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ, पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक मुझको ऐसे पग दो पर दो, पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊँ,
मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊं, धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। इसके बाद उपयुक्त कविता के रचयिता श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं, इसके बारे में बच्चों को बता देंगे। अगली हेडिंग आती है प्रदत्तकार, पांचवी हेडिंग गृह कार्य असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को घर से कविता याद करके लाने को कहेंगे। अगली लास्ट हेडिंग आती है अंतिम हेडिंग छठी, शिक्षक की आगामी कार्य योजना। शिक्षण के समय एवं आकलन के आधार पर शिक्षक बच्चों की शैक्षणिक संप्राप्ति निर्धारित कर आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।